नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग मापन के बारे में पढ़ेंगे। भौतिक विज्ञान का ये पहला चैप्टर मैं आज लेकर आया हूँ, जिसमें आपको मैं मापन सिखाऊंगा। और मापन में एक्चुअली आप सीखेंगे क्या क्या, कि मापन में हम आज सीखेंगे कि सबसे पहले आप ये पता करोगे कि मापन आप कहते किसे, ठीक है ना। उसके बाद मापन कह लिए तो आप मापते किसको है, तो मापते हम भौतिक राशियों को है, ठीक है ना। भौतिक राशि को आप मापते हो, तो भौतिक राशि होती कौन कौन सी है, किस तरह की भौतिक राशि है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर आप जो है उसके मात्रक को पढ़ेंगे, फिर उसका जो है कि व्युत्पन्न मात्रक भी पढ़ेंगे, बीमा को भी पढ़ेंगे, पूरक राशि मात्रक पढ़ेंगे। बात समझ में आ रहा है, इन सबको देखेंगे। हम चर्चा करते हैं सीधे बिंदुओं पर, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम मापन को समझ लेते हैं। तो मापन को आप क्या कहोगे भैया, कहते हो कि जो अज्ञात राशि होती है, अज्ञात राशि को ज्ञात करना, ठीक है ना। ज्ञात करना क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। बात समझ में आ गया कि कोई अज्ञात राशि है उसको ज्ञात करना ही मापन कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ये कह दूँ कि मान लीजिए ये आपका मार्कर है और इस मार्कर की लंबाई मुझे मालूम नहीं है, तो क्या है, अज्ञात है। और जब इसको मैं मापने की कोशिश करता हूँ तो किससे मापूंगा, किसी स्केल से, किसी मीटर से नापने का ही तो कोशिश करूँगा। तो जब मैं नापने का प्रोसेस करता हूँ, जो क्रिया करता हूँ, वही क्रिया क्या कहलाती है, मापन कहलाती है। बात समझ में आ गया, जो हमारा प्रोसेस होता है, इसकी लेंथ को पता करना, जो हमारी पता करने की जो हमारा प्रोसेस होता है, जो क्रिया हम करते हैं, वही मापन होता है। बात समझ में आ गया। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो तो आप कदम से भी तो मापते हो, तो कदम से कितनी दूर है वो भी एक मापने का ही क्रिया है, कि भाई ये 10 कदम दूर है, 20 कदम दूर है, ऐसा तो आपने सुना होगा। या भैया 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूर है, दो स्थानों के बीच की दूरी, तो अब कैसे दूर है, तो आपने नापा होगा ना। तो नापने का जो क्रिया था, बस समझिए, नापने का अर्थात ज्ञात करने का, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करने का जो आपने प्रोसेस किया, वही तो मापन है। बात समझ में आ गया, क्लियर है। अब बात आता है कि मापन तो हम जान गए कि क्या होता है, अब मापते किसको है भाई, किस चीज को आप माप सकते हैं और किसको नहीं माप सकते हैं। बात समझ में आया, तो किसको किसको माप सकते हैं, तो देखिए एक्चुअल में ब्रह्मांड में दो तरह की चीज़ें, एक तो भौतिक है और एक आध्यात्मिक है। तो भौतिक जो भी है सबको आप माप सकते हो, लेकिन जो आध्यात्मिक है उसको आप माप नहीं सकते। जैसे मन है, मन को मापोगे क्या, कि आज मेरा जो मन है 1 किलो हल्का हो गया है यार, या मेरा मन जो है कि पाव भर भारी हो गया है, ऐसा कुछ कहते हैं क्या। बात समझ में आ रहा है, तो मन हल्का भारी होता है, लेकिन आप उसे क्वांटिटी में नहीं कहते हो, 1 किलो हुआ है, 2 किलो हुआ है। बात समझ रहे हैं ना। तो कहने का अर्थ हुआ कि जो भी भौतिक चीजें हैं उसी को आप मापते हो। तो अब बात आता है कि आप भौतिक होता क्या है, तो भौतिक का मतलब होता है कि देखिए, चूंकि अभी इसी परिभाषा से आप बना सकते हो कि जो या जिन राशियों को आप जो है माप सकते हो या मापी जा सके, जो मापी जा सके उनको भौतिक कहते हो। तो आप कहोगे यार यहाँ कह रहे हो कि जिसको ज्ञात कर, अज्ञात राशि को ज्ञात करना मापन है, और जिसको आप माप सकते हैं वही भौतिक है। ये तो बात सही है, जिसको माप सकते हैं वो तो भौतिक है, लेकिन किसको माप सकते हैं, तो आप ये भी बोल सकते हैं, दूसरा ये बता सकते हैं कि भैया जिसे आप क्या कर सकते हो, जिसे आप स्पर्श कर सकते हो, ठीक है ना, छू सकते हो, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है, मतलब स्पर्श कर सकते हो जो है कि महसूस करना, तो महसूस तो हम कैसे भी कर सकते हैं, मतलब आप स्पर्श कर सकते हो, उसमें स्थान जो घेर रहा होता है, ठीक ना, घेरता है, जिसमें आप कह सकते हो कि भैया जो है आयतन जरूरी नहीं है, स्थान घेरता है। ये दो पॉइंट आपको ध्यान में रखना, मतलब जिसको आप स्पर्श करते हो, ठीक है ना, जिसको आप स्पर्श कर लेते हो वो भौतिक चीज़ है, ठीक है ना।
जिसे जो स्थान घेरता है वो भौतिक है, जिसमें आयतन है वो भौतिक है। बात समझ में आ रहा है? जिसको आप हाथों में ले सकते हो वो भौतिक है। बात समझ में आ रहा है ना? क्योंकि हर चीज को हाथों में लेना पॉसिबल नहीं, बट आप टच तो कर सकते हो, स्थान तो वो घेर सकता है। भाई यहाँ पर जितनी भी चीजें आप देख रहे हो ना, जितनी भी चीजें आप इस ब्रह्मांड में देखते हो, चाहे घर, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर, कुर्सी, मेज, सब एवरीथिंग क्या है? भौतिक है। केवल आध्यात्मिक का, और आध्यात्मिक आप समझ गए होंगे, जो आत्मा परमात्मा ये सब बातें होती है ना, ये सब क्या है कि भौतिक नहीं है। बात क्लियर है ना? तो अब इन सभी को आप माप सकते हो। तो ये जो भौतिक राशियां होती हैं, ये दो प्रकार की होती हैं। इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा, क्योंकि आप जो है कुछ सीखेंगे उसके बाद आपको उन इनके प्रकार को आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। देखो मैं आपको जो पढ़ाऊंगा ना, रट्टा नहीं मारना है, आप मतलब एक बिल्कुल टेक्निकल याद करेंगे, ठीक है ना? तो अभी दो बात हमने क्लियर की, एक मापन, एक भौतिक राशि। तो भौतिक राशि में अब हम चलेंगे मूल मूल राशि, ठीक है ना? मूल राशि की बात की जाए। देखो भौतिक भाई राशियों को भी आप माप सकते हैं, ये क्लियर हो गया है, लेकिन इसमें भी मूल राशियां हैं। अब मूल राशियां का मतलब क्या हो गया कि भाई मूल राशि आप किसे कहोगे? तो कहोगे जिसे जिसे स्वतंत्र स्वतंत्र रूप से व्यक्त किया जाए, व्यक्त किया जाए। स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अर्थ हुआ क्या? उसे उसे व्यक्त करने के लिए किसी और की आवश्यकता आवश्यकता न पड़े। बात समझ में आ रहा है? मतलब मूल राशि का मतलब वो है कि जिसे आप स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकते हैं, और उसे व्यक्त करने के लिए आपको किसी और राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब वो क्या है मूल राशियाँ? तो मूल राशियाँ आप सात पढ़ते हैं, ठीक है ना? आपकी जो मूल राशियाँ वो कितनी है? सात है। तो सात है, तो अब देखो इसमें जो पहली राशि है उसे आप क्या कहते हो? दूरी। क्या कहते हैं? दूरी। बात समझ में आ गया? दूसरा क्या होगा आपका? द्रव्यमान, ठीक है ना? द्रव्यमान। बात समझ में आ गया है? तीसरा क्या होगा आपका? समय। बात समझे? समय। चौथा क्या हो गया? ताप, ठीक है ना? पांचवा क्या हो गया? ज्योति तीव्रता, तीव्रता, ज्योति तीव्रता। और उसके बाद छठा हो गया आपका एम्पियर, एम्पियर। और सातवां हो गया आणविक मात्रा, आणविक मात्रा। बोलो, बात समझ में आ गया? अब ये सात कैसे आपको याद रखने हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे मापन पढ़ रहे हो तो मापन को अलग कर दो, तो मा प्लस पन आ गया, ठीक है ना? तो मापन मतलब मा से क्या हो गया जी? मा। और पन से क्या होगा? जब माँ ने मारा जोर से तो आप पनपना के भागे, तो माँ ने मारा जब जोर से तो आप पनपना के भागे। तो अब देखिए, जब भागेंगे तो दूरी ही तो कवर करेंगे, वो यहाँ से वहाँ भाग गए तो दूरी ही तो कवर किए। फिर क्या? द्रव्यमान का मतलब माँ ने किसी बढ़िया चीज़ से मारा होगा, द्रव्यमान वजनदार चीज, तो वो द्रव्यमान था। आप भागे तो कुछ समय भी तो लिए होंगे, बात समझ में आ गया? और जब दौड़े हैं भागे हैं तो भैया आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी तो गर्म हुआ होगा, तो ताप हो गया। और ज्योति तीव्रता, जैसे माँ का डंडा पड़ा आपकी ज्योति खुल गई कि भैया आप कुछ गलत कर रहे थे इसीलिए पड़ा, तो आपकी ज्योति एकदम तगड़ी हो गई, तीव्र हो गई, ठीक है ना? और एम्पियर मतलब, ओ सॉरी, यहाँ एम्पियर गलत लिख दिए हैं, विद्युत धारा लिखना चाहिए था, विद्युत धारा, सॉरी, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा मतलब कि जैसे डंडा पड़ा पूरी बॉडी में करंट दौड़ पड़ा, वही विद्युत धारा है। बाकी आणविक मात्रा आप समझ लीजिएगा, इतना तो क्लियर हो गया। तो आप साथ ही समझ गए कि ये आपके
ये जो सात क्या है मूल राशियां हैं, क्या है ये सात के साथ मूल राशियां हैं। अब देखिए मूल राशियां में क्या होता है कि इनका मात्रक होता है, ये तो मूल राशि हो गई और इनका क्या होगा मात्रक होगा। तो मात्रक क्या क्या होता है, मतलब मात्रक का मतलब अब यहाँ हमें समझना पड़ेगा कि भाई मापन तो आप समझ गए, भौतिक राशियों को मापते हैं ये समझ गए, अब मात्रक क्या बला है। तो मात्रक के लिए आपको इतना याद रखना है कि जिस इकाई में, जिस इकाई में मापा जाए, बात समझ में, छोटे में बता रहा हूँ बस, पूरा नहीं लिखवा रहा हूँ, तो आप बस ये समझ जाइए कि जिस इकाई में मापा जाए वही मात्रक कहलाता है। अब जैसे अब दूरी है तो उसको किस में मापोगे, तो आप कहोगे जी मीटर में मापेंगे, द्रव्यमान है तो किलोग्राम, बात समझ में आ रहा है किलोग्राम, समय है तो सेकेंड में मापेंगे है ना, और ताप है तो किस में नापेंगे केल्विन में है ना, केल्विन में, और ज्योति तीव्रता का कैंडिला है ना, किस में कैंडिला में मापेंगे, विद्युत धारा एम्पियर, एम्पियर में मापेंगे, आणविक मात्रा को किस में मापेंगे मोल में मापेंगे। बात समझ में आ गया, क्लियर बात समझ में आ रही है। तो अब देख लीजिए, हालांकि ऐसा नहीं कि दूरी को बस आप मीटर में ही मापते हो, ठीक है ना, दूरी को आप किलोमीटर में भी मापते हो, जो है कि सेंटीमीटर में भी मापते हो, डेकामीटर में भी मापते हो, हेक्टोमीटर में भी मापते हो, प्रकाश वर्ष में भी मापते हो, पार्सेक भी में मापते हो, और फर्मी में भी मापते हो, तो लेकिन मीटर ही क्यों मात्रक हमने माना। तो याद रखना पूरी की पूरी फिजिक्स या यहाँ जितना सब घटना हो रहा है ना वो सब माना गया है, मान कर ही हमने एक्सपेरिमेंट अपना शुरू किया है। तो फिजिक्स में चाहे एक सेकेंड हो, चाहे एक मीटर हो, चाहे एक किलोग्राम हो, सब कुछ माना गया है। तो ये हमारी सात के साथ जो मूल राशियां हैं ये स्वतंत्र रूप से लिखी गई हैं और इसको हमने माना है। वैसे भौतिक राशियां तो लाखों होती हैं, एक दो नहीं होती, लाखों होती हैं, लेकिन आप क्या है सात माने हो मूल, क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से लिखी जाती हैं। बात समझ में आया, देखो अब इसको दूरी को मीटर में, अब इसमें और कोई चीज़ नहीं लगेगा, जैसे भाई मीटर पर सेकंड नहीं होगा, बात समझ रहे हैं ना। तो अब इनका एक आता है प्रतीक कि मीटर को आप दिखाते किससे हो, एम से, किलोग्राम को केजी से, सेकंड को एस से, केल्विन को जो है कि के से, कैंडिला सी डी, एम्पियर ए, और मोल को एम ओ एल ही लिखा जाता है। बात समझ में आ गया, ये बात क्लियर हो गया आपका। याद रखना आप लोग कि बच्चा ए और ए पे जीरो होता है, यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूजन कर देते हैं, इसको एम्पियर समझ लेते हैं, लेकिन एम्पियर ये होता है इसको एंगस्ट्रॉम कहते हैं, क्या कहते हैं एंगस्ट्रॉम, ये एंगस्ट्रॉम होता है, ये जो साइन होती है एंगस्ट्रॉम की होती है, ठीक है ना, और एंगस्ट्रॉम में 10^-10 मीटर होता है, वो आगे पढ़ेंगे आप लोग, फिलहाल ये समझ में आ गया। अब इसका देखिए ये हटा देते हैं, ये आपका मात्रक हो गया जी, है ना, ये देखिए ये आपकी राशि थी, ये मात्रक हो गया, आपने फिर उसका प्रतीक देख लिया, अब इसकी बीमा देखेंगे, ठीक है ना। तो इनकी बीमा क्या होती है, तो देखो बीमा होती क्या है पहले तो ये जान लो। तो बीमा आप किसे कहते हो, तो आप बस याद रखना किसी भी राशि को एम एल टी की घात में व्यक्त करना, देखो मैं लिख नहीं रहा हूँ आप सुन लीजिएगा, एम एल टी की घात में व्यक्त करना ही बीमा कहलाता है। बस समझ में आ गया, किसकी घात में, एम एल टी की घात में, बस क्लियर हो गया ना। तो अब इसमें किसकी बीमा होती है, तो देखो बस चार लोगों की बीमा यहाँ होती है, एक तो दूरी है, तो दूरी को क्या कहते हो लेंथ ना, इसीलिए इसकी बीमा एल हो जाती है। द्रव्यमान को क्या कहते हो, मास, तो मास मतलब एम, इसका कैपिटल एम बीमा हो गया। समय को क्या कहते हो, टाइम, तो टी इसका बीमा हो गया। टेम्परेचर का होता है टी, तो दो टी आ नहीं सकता इसलिए यहाँ पे हमने टीटा ले लिया। तो ये बात समझ में आ गया
कि अगर बात आए किसकी किसकी बीमा होती है, केवल दूरी की होती है, द्रव्यमान की होती है, समय की होती है और ताप की होती है। इन्हीं चार की बीमा होती है, बाकी जो तीन इधर ज्योति, तीव्रता, विद्युत धारा, आणविक मात्रा हैं, इनकी बीमा नहीं होती है। ये बात याद रखिएगा। कभी हो सकता है इनमें से ग्रुप बना दे कि निम्न में से किसकी बीमा नहीं होती है, तो आप ये तीन देकर ये कि इसमें से कोई दे दे, तो आपको ऐसा करना हो, तो आप ध्यान रखेंगे किसकी बीमा होती है और किसकी बीमा नहीं होती। क्लियर हो गई? यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा, तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो देखें दोस्तों क्या हो रहा है कि आपने देख लिया मूल राशियाँ का मात्रक प्रतीक। अब हम पूरक राशि देखेंगे। क्या देखेंगे? जो पूरक राशि होती है। तो अब बात आती है पूरक राशि क्या होता है। आपने मूल राशि तो देख लिया, मूल राशि में क्या था, जो स्वतंत्र रूप से व्यक्त किए जाते हैं, जिसको व्यक्त करने में किसी और की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। तो पूरक राशियाँ क्या होती है, तो पूरक राशियाँ उनके अलावा होती हैं, आप कह सकते हो जो राशियाँ, ठीक है ना, जो राशियाँ मात्रक विहीन हो, क्या हो, मात्रक विहीन हो, विहीन हो, क्या कहलाती है, पूरक राशि। ठीक है ना, तो ऐसे में केवल दो पूरक राशि हैं, एक है कोण और दूसरा होता है घन कोण। बात समझ में आ गया, घन घन कोण। क्लियर बात समझ में आ रही है? ये दो राशियां हैं जो कि क्या है, मात्रक विहीन है। अब कहोगे सर कोण का तो मात्रक होता है डिग्री रेडियन होता है, घन कोण का स्टेट रेडियन होता है, लेकिन वो हमने माना है, होता नहीं है। अब देख लो क्या होता है, कोण बराबर आप क्या पढ़े हो, तो कोण बराबर आपने पढ़ा है चाप बटे में त्रिज्या, यही पढ़ा है चाप बटे में त्रिज्या। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो चाप भी दूरी होता है मात्र क्या, मीटर। त्रिज्या भी दूरी होती है मात्र क्या, मीटर। तो काट दिए तो कट गया, कुछ बचा क्या यहाँ पे, नहीं ना। तो इसलिए हम जानते हैं कोण का कोई मात्रक नहीं होता। हालांकि ये भी स्वतंत्र रूप से लिखा जाता है, लेकिन इसका कोई मात्रक नहीं होता है। हमने इसका मात्रक अपनी ओर से क्या रख दिया, रेडियन। कहा भाई अरे कुछ तो नाम होना ही चाहिए, तो हमने इसका नाम रेडियन रख दिया। अब इसीलिए इसको हमने पूरक राशि का नाम दे दिया। बोलो ये समझ में आ गया, क्लियर समझ में आ गया? तो पूरक राशि, अब इसका मात्रक क्या होता है, तो आप कहोगे रेडियन होता है। हालांकि डिग्री भी होता नहीं, अंश भी होता है, लेकिन हम क्या है कि रेडियन माने, ठीक है ना। और इसका क्या होता है, स्टे रेडियन। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? तो आपने मापन समझ लिया, भौतिक राशि समझ ली, ठीक है ना। और भौतिक राशि में आप जो है कि मूल राशि और पूरक राशि समझ ली, और पूरक राशि मूल राशि के मात्रक प्रतीक और उनकी बीमा को आपने देख लिया, ठीक है ना। अब हम चलेंगे व्युत्पन्न मात्रक पे। तब लास्ट में हम जो पहले बताए ना कि जो भौतिक राशि के प्रकार होते हैं उनको बाद में बताएंगे, तो हम पहले इसको कवर कर लेते हैं, क्योंकि इनको कवर करने के बाद आप वहाँ पे आसानी से उसको कर सकते हैं, याद करने की या रट्टा मारने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अब देख लीजिए क्या होगा कि अब हम चलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। किसके बारे में पढ़ेंगे, व्युत्पन्न मात्रक। तो अब देखो व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, ठीक है ना। तो नाम से ही पता चल रहा है जिसको उत्पन्न किया जाए, ठीक है ना। तो उत्पन्न कैसे किया जाएगा, लिखेंगे जो मूल मात्रक, ठीक है ना, मूल मात्रक की सहायता से उत्पन्न किए जाते हैं या किए जाए, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। बात क्लियर हो गया ना, तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। देखिए थोड़ा सा हम लोग आराम से पढ़ रहे हैं, बट आप ध्यान से सब समझते हुए चलिएगा। मैं एक सीक्वेंस में चल रहा हूँ, ठीक है ना, लिख कम रहा हूँ, आपको मेन चीज बस बता दे रहा हूँ कि भैया व्युत्पन्न मात्रक आप कहोगे किससे, तो कहोगे कि जो मूल मात्रक की सहायता से उत्पन्न किए जाते हैं उसी को आप कहते हैं व्युत्पन्न। बात समझ में आ गया? तो जैसे में व्युत्पन्न क्या हो गया, अब मान लीजिए हमको बताना है चाल का मात्रक। चाल से बढ़िया है कि पहले आपसे पूछा जाए कि भाई क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है। तो देखिए ये क्षेत्रफल आपका क्या, व्युत्पन्न राशि है,
भौतिक राशि ही है, ठीक है ना। ये हमने कहा था ना, भौतिक राशियाँ लाखों होती है, एक दो नहीं होती, लाखों होती है, लेकिन मेन सात हमने माना जो स्वतंत्र रूप से लिखी जाती है, लेकिन ये स्वतंत्र रूप से नहीं लिखी जाती है। बात समझ में आ रहा है? तो अब ये व्युत्पन्न में आ गई। तो अब देखो ये क्षेत्रफल क्या हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई। बात समझ में आ गया, क्लियर है ना। तो इसमें अब दो चीज़ हो गए, अकेली नहीं रहा, दो चीज़ हो गए, लंबाई भी हो गई, चौड़ाई हो गई। बात समझ में आ रहा है? तो लंबाई का मात्रक क्या, मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, तो इसका क्या हो गया, मीटर में मीटर का गुणा कर दो, मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गया, क्लियर, बात समझ में आ गया। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। अब इसकी बीमा की बात कर लूँ कि भैया लगे हाथ इसकी बीमा भी बता दो कि इसकी बीमा क्या होगी। तो बस देखिए बीमा लिखने का जो तरीका है, बस सुन लीजिएगा और यहाँ पे लिख देता हूँ। ये दूरी है तो दूरी L होता है, याद समझ में आ गया। देखो दूरी को मीटर में नापते हो, केजी में नापते हो, द्रव्यमान को, टाइम को नापते हो, टी में, सेकेंड में, ये याद रखना। तो जब M होगा तो L लिखना, केजी होगा तो M लिखना, S होगा तो T लिखना। बात समझ में आ गया? और टेम्परेचर होगा यानी केल्विन होगा तो थीटा लिख देना। ये बीमा लिखते समय आपको ध्यान रखना है। तो ये रट्टा भी मार सकते हो, लेकिन रट्टा मारने की आवश्यकता है क्या भाई, आपको बस दिमाग लगाना है कि मीटर किसका है, दूरी, दूरी मतलब लेंथ का है, लेंथ जो उसकी स्पेलिंग का पहला लेटर है ना वही बीमा होता है, ये ध्यान रखिए। अरे भाई लेंथ को क्या लिखते हो, एल ई एन जी टी एच लेंथ, ओ सॉरी एल ई एन जी टी एच लेंथ। तो लेंथ में पहला अक्षर L कैपिटल है, वही हमने उस लिख दिया, वो बीमा हो गई। मास होता है द्रव्यमान का एम ए डबल एस, तो मास। बात समझ रहे हैं ना? तो बस आपको बीमा का मतलब उसका कैपिटल लेटर। तो मीटर किसका होता है, दूरी का मात्रक है, तो दूरी का जो पहला इंग्लिश लेटर होता है क्या होता है, L होता है, तो L लिख दिया। कितना दिया इस पर, दो। अब देखो इसको बड़े ब्रैकेट में बंद करना, बात समझ में रहे, बड़ा ब्रैकेट में बंद करना, ये इसकी बीमा हो गई। या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा तो बड़े ब्रैकेट में, भाई यहाँ M है नहीं है तो इसे जीरो कर दो, L है यस दो है, T है नहीं जीरो कर दो, तो M L T हो गया ना। आपने बीमा का परिभाषा पढ़ा था पीछे अभी कि किसी भी राशि को M L T की घात में व्यक्त करना। तो देखो M की घात जीरो, L की घात टू, T की घात जीरो, इसी में व्यक्त करना ही बीमा कहलाता है। बात समझ में आ गया? तो क्षेत्रफल की बीमा या तो ये होगा या तो ये होगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है ना। जो व्यापक रूप होता है वो ये है, और ये बाकी जो आप निकाले। तो ऑप्शन में अगर दोनों आ जाते तो ये मारिएगा, अन्यथा इनमें से कोई एक ही ऑप्शन में आएगा। बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया ना। आप चलते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं। ये दोस्तों मैं जैसे ले लूं आयतन का, तो आयतन का आप क्या निकालोगे भाई, तो कहोगे भाई क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही लिखते हो ना। तो लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, ऊंचाई का मात्रक मीटर। क्यों? क्योंकि तीनों तो ही दूरी हैं, और दूरियों का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। बात क्लियर हो गया? तो अब देखो आप क्या कर सकते हैं, मीटर क्यूब हो गया, मतलब मीटर का क्यूब कर, यानी कि आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब। अगर आपसे कोई पूछे आयतन का मात्रक क्या होता है तो क्या बताएंगे, मीटर क्यूब। क्लियर होगी बात? तो अब देख लीजिए मीटर क्यूब हो गया। बीमा की बात करें तो मीटर दूरी है ना, तो दूरी पे तीन हो गया, या तो ऐसे कर दीजिए, या कर दीजिए भी मीट, यहाँ पे मास जीरो है, लेंथ तीन पावर है, टाइम जीरो है, तो मतलब ये हो गया। बात समझ गए होंगे अब तो, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब चलते हैं उसके आगे। जैसे मैं कह दूं भाई चाल का मात्रक बताओ, चाल का, तो चाल का पढ़ते हो आप, दूरी बटे समय, यही पढ़ते हैं ना, दूरी बटे समय। तो दूरी को किस में मापते हो आप, मीटर में, समय को सेकंड में, तो ये मीटर पर सेकंड इसका मात्रक हो गया। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, मीटर सेकेंड पे माइनस वन, क्योंकि ये बटे में कुछ नहीं पावर होता तो एक होता ही है, और ये ऊपर ले जाओगे तो प्लस का माइनस हो जाता, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? अब इसके बाद देख लीजिए क्या करेंगे, अगर बीमा लिखनी होगी तो देखो अब मीटर आ गया, अरे मास आ गया ना, और सॉरी मीटर है, तो मीटर को आप एल लिखते हो, ये टाइम होता है,
और ये माइनस वन, तो आप एल टी की पावर माइनस वन कह सकते हैं या एल टी इनवर्स बोल सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड में लिखना एम जीरो एल वन टी माइनस वन ऐसे लिख सकते हैं। बोलो समझ में अब आ गया, क्लियर बात समझ में आ रही है ना। अब चलें हम दूसरा लेकर देख लेते हैं। जैसे आपको अगर मैं कह दूँ त्वरण का, त्वरण का आपको मात्रक बताना हो कि त्वरण का मात्रक क्या होगा, तो आप जानते हैं त्वरण का होता है वेग परिवर्तन बटे समय, ठीक है ना, वेग परिवर्तन बटे समय। तो वेग परिवर्तन मतलब वेग से मतलब था, वेग का आप क्या निकालें मीटर पर सेकेंड, तो वेग मीटर पर सेकेंड। देखो चाल और वेग दोनों का मात्रक एक ही होता है, लेकिन ये दोनों राशियां अलग अलग होती हैं, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, फिलहाल हम मात्रक पढ़ रहे हैं तो मात्रक कर लेते हैं। तो त्वरण वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड, समय का मात्रक सेकेंड, बात समझ में आ गया, क्लियर है ना। तो अब देख लो ये तो मीटर रहा और बटे में सेकेंड ये भी है, बटे में ये भी है, तो बटे बटे में क्या हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा ना। तो त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या आप कह सकते हैं मीटर सेकेंड पे माइनस दो। बोलो समझ में आ गया, या फिर बीमा लिखनी हो। अब जैसे ब्रैकेट में लगा रहा हूँ समझ जाइए, अभी बीमा लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना। मात्रक बस यही रहा, ये बोल दो ये बोल दो, ये मात्रक हो गया, ठीक है ना। अब उसके बाद जो है कि हम बीमा लिखेंगे, तो यहाँ एल क्या है वन पावर है, टाइम पे माइनस दो है, बंद कर दो, समझ में आ गया एल टी टू दी पावर माइनस टू, क्लियर हो गया। और इसका माप स्टैंडर्ड या जो आप कह सकते हो जो व्यापक रूप है वो क्या होता है, बस एम लगाना है और एम है ही नहीं तो जीरो दे देना, बात क्लियर ना। अब उसके बाद चलिए मैं बल की बात कर लूँ, बल का मात्रक क्या होगा, तो आप कहेंगे जी बल बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है ना, त्वरण। तो अब देख लीजिए द्रव्यमान का क्या हो गया केजी, त्वरण का क्या होता अभी निकाले आप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही तो निकाले थे त्वरण का मात्रक, बात समझ में आ गया। अगर नहीं आता है तो आपको त्वरण का ऐसे निकाल लेना, यही आएगा। अब उसके बाद इसी को हम लिखते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या आप कहते हो न्यूटन, इसी को न्यूटन कहा जाता है, ठीक है ना। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही क्या कहते हो आप न्यूटन, क्या कहते हैं न्यूटन, है ना, बात समझ में आ गया। अब इसका बीमा आपको लिखना है, तो के जी अब मास आ गया एक है, एल एक है, टी माइनस दो हो गया इसकी बीमा। बोलो समझे हैं, यहाँ पे थोड़ी सी हमने शॉर्टकट मार दिया, शॉर्टकट का मतलब के जी तो एम है ही है, मीटर का एल है ही है, ये टी पे माइनस दो तो मतलब ये बट्टे है ना, तो बट्टे को जब ऊपर ले जाएंगे तो प्लस है तो माइनस होगा ना, बस यही है और कुछ नहीं, क्लियर ना। अगर मैं कहूँ कार्य का बताइए भाई मात्रक क्या होता है कार्य का, तो आप कहोगे जी होता है बल अगुणे विस्थापन, सूत्र तो यही होता है बल गुणे विस्थापन, बात समझ में आ रहा है। तो बल गुणे विस्थापन जब होता है तो बल का अभी अभी हमने निकाला क्या मात्रक होता है के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और विस्थापन क्या होता है जी मीटर होता है, विस्थापन का मात्रक क्या होता है मीटर ही, तो अब मीटर से मीटर में गुणा करोगे तो ये हो गया के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो समझ में आया, और इसी का नाम होता है जूल, क्या होता है जूल, बात क्लियर है। तो अब देख लीजिए, अब इसकी बीमा अगर आपको लिखनी हो तो आप कहते हो के जी और सॉरी ब्रैकेट में एम पावर एक एल पावर दो टी पावर माइनस दो, बात समझ में आ गया, ये आपने बीमा भी लिखना सीख लिया। बोले क्लियर है ना। अब हम देख लेते हैं एक और, क्या संवेग, तो संवेग क्या होता है द्रव्यमान गुणे वेग होता है, तो अब द्रव्यमान को आप किस में नापते हो केजी में, वेग को किस में नापते हो मीटर पर सेकेंड में। अब देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि अभी हमने जस्ट निकाला है, तो आप क्या कह सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड, ये आ गया संवेग का मात्रक, बात समझ में आ गया ना, क्लियर है। इसकी बीमा होगी तो एम हो गया, एल हो गया, टी पे माइनस वन हो गया। बोलो ये बात समझ में आ गया होगा, क्लियर ना, बीमा भी निकालना समझ में आ गया। चूँकि दोस्तों समय लंबा होता जा रहा है,
इसलिए ये वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, बाकी इसके आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। और फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।